Hello everyone, welcome to Homoeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you, and this time we are going to discuss a medicine that is Coccus Cacti from the William Boericke. So Coccus Cacti jo medicine hai wo bahut achhi dawai hai agar kisi ko geeli khansi ho rahi hai, kutta khansi ho rahi hai, yani ki ye jo khansi hai uski bahut achhi dawai hai. To iske jo symptoms hain is khansi mein वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है इसकी और दूसरी दवाइयों की खांसी में, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी दवाइयों में जो कफ है वो कवर होता है. तो इसमें और बाकी दवाइयों में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें. तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉकस कैक्टाई के जो सिम्टम्स हैं वो देखते हैं. तो मैंने आपको बताया है कि ये जो कफ है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है. तो कफ के सिम्टम्स देखते हैं हम. कॉन्स्टेंट हॉकिंग फ्रॉम एनलार्ज्ड यूला, यानी कि जब आप मरीज है उसका मुंह खोल के देखोगे तब क्या होगा, आपको जो यूला है वो एनलार्ज्ड मिलेगा. ठीक है, यूला जो है इलोंगेटेड मिलेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको बार बार हॉकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, विद इन्फ्लेम्ड फाउसेस, यानी कि जब आप उसके फाउसेस की तरफ टॉर्च डाल के देखोगी तब क्या होगा, वो लाल दिखेंगे. अक्यूमुलेशन ऑफ थिक विसिड म्यूकस, म्यूकस वहाँ पे अक्यूमुलेट दिखेगा. विच इज़ एक्सपेक्टोरेटेड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मरीज ये बोलेगा मैं बार बार हॉक करता रहता हूँ और उसके बाद जो वो म्यूकस होता है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, मेरे को बहुत खांसना पड़ता है, बहुत गला साफ करना पड़ता है, तब जाके वो जो यहाँ पर अटका हुआ जो म्यूकस है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है. और टिकलिंग इन लेरिंग्स, यानी कि जो लेरिंग्स है उसमें गुदगुदी मचती रहती है, ऐसे गुदगुदी. अब देखो फेदर महसूस हो रहा है कि फेदर से कोई गुदगुदी कर रहा है यहाँ पे, दैट इज़ फॉर द ड्रोसेरा, क्योंकि ड्रोसेरा में भी वूपिंग कफ है ना. बट यहाँ पे टिकलिंग इन लेरिंग्स हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि यूला एनलार्ज्ड है, यूला एनलार्ज्ड है उसकी वजह से इसको टिकलिंग होती है लेरिंग्स में. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे टिकलिंग इन लेरिंग्स का कारण अलग है और जो ड्रोसेरा है उसमें क्या होता है, उसको टिटिलेटिंग कफ होता है, जैसे कि कुछ फेदर है. ठीक है, अब सेंसेशन ऑफ अ क्रम बिहाइंड द लेरिंग्स मस्ट स्वालो कॉन्टीन्यूसली ब्रशिंग टीथ कॉज कफ. अगर मरीज जो है दांत भी साफ कर रहा है उसकी वजह से भी उसको खांसी हो रही है. ठीक है, और ऐसा उसको लगता है लेरिंग्स के पीछे कुछ है जिसको निगलता रहता है कंटिन्यूसली. ठीक है, फाउसेस वेरी सेंसिटिव, जो उसके फाउसेस हैं वो इन्फ्लेम्ड हैं. ठीक है, सूजन आ रही है उनमें, लाल सुर्ख हो रहे हैं वो, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दर्द करते हैं. जो टिकलिंग इन लेरिंग्स है वो हमारे र्यूमेक्स में भी होता है, र्यूमेक्स में भी वो मरीज़ कोल्ड सेंसिटिव होता है, उसको बार बार टिकलिंग होती है लेरिंग्स में, तब जाके उसको खांसी आती है. ठीक है, अब सफोकेटिव कफ वर्स ऑन वेकिंग विद टफ वाइट म्यूकस विच स्ट्रेंगल्स, यानी कि दम घुट रहा है मरीज़ का, दम घुट रहा है, ऐसी खांसी हो रही है जो जब वो म्यूकस रेज करता है तो वो भी म्यूकस बड़ी मुश्किल से रेज होता है, और म्यूकस का कलर क्या है, वाइट म्यूकस. ठीक है, यानी कि अस्थमैटिक कंडीशन हो रही है, मरीज ही बोलेगा दम घुटता है मेरा. ठीक है, स्पाजमोडिंग मॉर्निंग कफ, यानी कि सुबह ज़्यादा है, वूपिंग कफ अटैक्स एंड विद वॉमिटिंग ऑफ टफ म्यूकस. कॉकस के टाइम में जो मरीज है वो खांसते खांसते फिर क्या करेगा, आखिरी में उल्टी कर देगा, म्यूकस की उल्टी कर देगा, फिर उसको आराम मिलेगा. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉम्प्लिकेटेड विद ग्रेवल लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ एल्ब्यूमिनस टेनेशियस म्यूकस आर एक्सपेक्टोरेटेड, वॉकिंग अगेंस्ट द विंड टेक्स द ब्रेथ अवे. ठीक है, यानी कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो भी इसमें दवाई में कवर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्निया की कंडीशन आती है, क्योंकि ये सारे COPDs हैं. ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं ये, तो जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्टिव हुआ, यानी कि जहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो एयर पैसेज है उस पर अफेक्ट हो रहा है ना,
तो डिस्निया होगा ही होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही होगा। बट इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कॉकस कैक्टाई की कि जो वूपिंग कफ है उसका जो अटैक है वो ख़त्म कैसे होगा जब उसको टफ म्यूकस की उल्टी हो जाएगी, ठीक है। सो इसको दिक्कत है आफ्टर स्लीप, है ना, टच प्रेशर ऑफ क्लोदिंग, क्यों प्रेशर ऑफ क्लोदिंग क्यों, क्योंकि इसका पहले ही दम घुट रहा है ना। ब्रशिंग दी तो उससे उसको खांसी हो जाती है, एक्सर्शन से खांसी हो जाती है और चलने से इसको आराम मिलता है। दूसरी चीज़ ये जो मेडिसिन है ये हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी बहुत अच्छी दवाई है। जो इसमें शुरू में भी एक लाइन लिखी हुई है कि ब्लैडर की जो कटाल कंडीशंस हैं उसकी भी ये बहुत अच्छी दवाई है। ये नेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, एन्यूरिया है, अनासार्का है, असाइट्स है, इनकी बहुत अच्छी दवाई है। यानी कि इसमें यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ, ठीक है। सो देयर इज़ अर्जिंग टू मिक्चुरेट, मरीज जो है उसको बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी। ब्रिक रेड सेडिमेंट, जब हम देखते हैं लाइको, लाइको में भी रेड सैंड इन यूरिन होता है, कॉकस कैक्टाई में भी रेड है। यूरिनरी कैलकुलाई की अच्छी दवाई है हीमेचूरिया, यानी कि ब्लड इन यूरिन, यूरेट्स एंड यूरिक एसिड, यूरिन में यूरिक एसिड भी मिलेगा। लेंसिनेटिंग पेन्स फ्रॉम द किडनी टू ब्लेडर, अब किडनी टू ब्लेडर यानी कि वहाँ से भाले जैसे चुभने वाला दर्द हो रहा है। डीप कलर्ड थिक यूरिन, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि हम देखेंगे डिसयूरिया भी, किसी को पथरी होती है तो यूरिन करने में दर्द होता है, किसी को अगर पथरी होती है तो उसको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, और क्योंकि वो जो स्टोन है वो वहाँ की जो लाइनिंग्स है उनको ख़राब करता रहता है, उनको छीलता रहता है, तो उसकी वजह से ब्लड भी आ जाता है यूरिन में। यानी कि सारे सिम्टम्स जो हैं ये हमें जो पैथोफिजियोलॉजी होती है स्टोन की और जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, साइन सिम्टम्स, वो ये दवाई कवर कर रही है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है कि इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है, तो अगर हमें ये देखने को मिले तो हम कॉकस कैक्टाई जो है उसको देते हैं। तो इसकी जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम देखें हम और यूरिनरी सिम्टम देखें, तो ये इस मेडिसिन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमें पता ही होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेडिसिन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस टू गेट द नॉलेजफुल वीडियोज एंड डू शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक्स।